बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक सऊदी नौजवान खातून बोल रहे हैं, नौजवान लड़की बोल रहे हैं इन्हें आप। इनका सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप हाल ये लेटेस्ट वायरल हुआ है, हालांकि इससे पहले भी ये सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं। मैंने आपको पिक्चर यहाँ पर इनकी दिखा रखा हूँ। आज से तकरीबन एक दो माह पहले इनकी एक वीडियो मैंने आपके साथ तकरीबन शेयर की है जी। रशाल करशी इनका नाम है और ये आपको अच्छा शौक़ होते हैं जी बंदों के अपने अपने, आपको भी कोई ना कोई किसी किस्म का शौक़ तो होगा किसी न किसी चीज़ का। तो इनका शौक ये है जी कि ये ऊँट पालती हैं और ऊँटों की दौड़ करवाते रेस करवाती हैं, ठीक है जी। अभी रियाद में जो रेस हुई आज से एक दो माह पहले, जो मैंने आप सर वीडियो शेयर की और ये पिक्चर भी आप उसी से रिलेटेड देख रखे हैं सॉरी, उससे पहले इनकी तरफ से ये कहना था कि रेस से पहले यानी कि अगर तो मेरा ऊँट जीत जाता है तो मेरा ही जीतेगा इंशाल्लाह, अगर नहीं जीतता है तो मैं अपने ऊँट के ऊपर ना रियाद से जद्दा के लिए सफ़र करूँगी। हैरत हुई कि नहीं, हम पंजाबी वैसे मन्नत मांग लेते हैं लेकिन इनकी तरफ से ये कहा गया जी हम मैं रियाद से जद्दा के लिए सफ़र करूँगी। अच्छा, मैंने अभी इनका ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है, आपको यहाँ पर वो क्लिप भी चलाना मैं दिखाना शुरू कर चुका हूँ। ये अखबारी चैनल की तरफ से इनकी वीडियो क्लिप जारी किया गया जी। पहले तो अदारों से परमिशन ली गई है इस चीज़ की कि मैं रियाद से जद्दा के लिए सफ़र करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे इजाज़त है? तो अदारों की तरफ से ये कहा गया जी आपको इजाज़त है, उसके बाद ही सफ़र शुरू किया गया है। और इनके नज़दीक तरीन एक आध गाड़ी भी रहती है, मरूर की या दौरियात की या शुरतों की, ठीक है जी। ऊँटों के ऊपर सफ़र जारी है जी, और आप इनका क्लिप देख लें, यहाँ पर देखते जाएं। अभी मैं आपको तफसीलात थोड़ी बताना चाहता हूँ, वो ये है जी कि इनकी तरफ से ये कहा गया है हम रोज़ाना की बेस पर 50 किलोमीटर सफ़र करेंगे, उसके बाद स्टे करेंगे और दिन के टाइम फिर 50 किलोमीटर आगे सफ़र जारी रहेगा। यानी कि रियाज बरीदा से ये मदीना शरीफ पहुँचेंगे। अच्छा, मदीना बरीदा से आप हायल की तरफ से भी मदीना जा सकते हैं, लेकिन ये बरीदा से एक शॉर्टकट रोड निकलता है और ये मदीना रोड को टच करता है जो हायल से निकलता है। तो उधर से होते हुए ये मदीना पहुँचेंगी और उसके बाद जद्दा में पहुँचेंगी। तो इस अराउंड में 20 दिन का टाइम इन्हें लगेगा, तो 20 दिन में यानी कि ये रियाज से जद्दा में पहुँच जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ, जो रस्ते में जो इनके हालात वगैरह रहेंगे और जब ये जद्दा पहुंच जाएंगी उस टाइम भी एक वीडियो इनकी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बहरहाल, कोई भी किसी किस्म का खुदा ना ख्वास्ता इनके साथ को वाकया ना पेश आए रस्ते में, दुआ तो यही है। बहरहाल, आप इसके मतलब क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।